ताजमहल की खूबसूरती के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। यमुना में गंदगी से पनपे गोल्डी काइरोनोमस नाम के खतरनाक कीड़ों ने ताजमहल की उत्तरी दीवार पर घर बना लिए हैं। अब इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ताज की खूबसूरती खतरे में है और इसका कारण बना यमुना की गंदगी में पनपा काइरोनोमस नाम का कीड़ा। ये कीड़ा यमुना की गंदगी से उड़कर ताज की उत्तरी दीवारों पर चिपक जाता है और दीवारों को रंग देता है हरे रंग से। एएसआई का कहना है कि उसने इसकी जानकारी प्रशासन को दे दी है। उत्तरी दीवार के ऊपर ही ये सारे इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं और ये जो कीड़ा है ये गंदे पानी में होता है, यहाँ थोड़ी फॉस्फोरस की भी मात्रा होती है, क्लोरोफिल खाता है और बॉडी में से वो क्लोरोफिल निकाल के लार्वा के साथ में मॉन्यूमेंट पे डिपॉजिट करता है। तो इतनी जानकारी हमारे पास उपलब्ध हो चुकी है जो हम लोग शोध के आधार पर। ये कीड़ा यमुना में अत्यधिक प्रदूषण और फास्फोरस के अधिक प्रयोग से पनपता है। अगर यमुना की गंदगी पर जल्द ही काबू नहीं पाया गया तो ये स्थिति और भी विकराल हो सकती है। हालांकि जानकारों की माने तो इस कीड़े से ताज की संगमरमर को तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ताज की दीवारों को बार बार पानी से साफ किया जाएगा जो ताज को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा नहीं है कि यह कीड़ा सिर्फ भारत में ही दिखाई दिया हो, इससे पहले दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को भी ये कीड़ा डरा चुका है। वहाँ पिछले वर्ष अमेरिकन बास्केटबॉल लीग नहीं हो पाई थी। वहीं 1983 में जापान के लेक सूबों में प्रदूषण की वजह से पनपे कीड़े ने लोगों को परेशान कर दिया था और 30% पर्यटन में यहाँ पर गिरावट आई थी। टूरिस्ट से अभी तो नहीं, लेकिन कई जगह जैसे दुनिया के कई हिस्से आप देखें, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए है, कई सारे ऐसे टूरिस्ट सेंटर थे उनके जो सिर्फ इस फ्लाई की वजह से बर्बाद हुए। बर्बाद मीन्स 70% लोगों ने आना बंद कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, आप जब मूव करेंगे किसी किनारे पे और पता लगा आपकी आंखों में 10 कीड़े आंखों में घुस रहे हैं, 10 मुंह में जा रहे हैं, 10 नाक में जा रहे हैं, 10 कान में जा रहे हैं, तो लोग परेशान होते हैं। वहीं आगरा प्रशासन की बात करें तो जिलाधिकारी ने तो इस पर बात करने से ही मना कर दिया। वहीं अन्य अधिकारी इस पूरे मामले में जाँच की बात कर रहे हैं। ताजमहल की सौंदरता पर भी असर पड़ रहा है, निश्चित तौर पर एएसआई ये लोग मिलकर कार्रवाई कर रहे होंगे और करेंगे। हालांकि इस कीड़ों को जांच के लिए देहरादून भेज दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि यमुना को साफ करने के लिए हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाने के बावजूद प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है। समय के लिए आगरा से वेदकांत शर्मा।